हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल का एक वैल्यूएबल सब्सक्राइबर है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स जरूर देखे होंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स का एक क्वेरी था कि क्या हम एनपीएस ओन शेयर अमाउंट को ATC CT 1B के आधार पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। पहले हम समझते हैं इनकम टैक्स सेक्शन ATC CT 1B है क्या। ATC CT 1B इज द एडिशनल डिडक्शन अप टू ₹50,000 टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एनपीएस और सीपीएस। मतलब आप अगर एक एनपीएस सब्सक्राइबर है तो आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन अमाउंट में से अप टू ₹50,000 तक एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। बहुत लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि ये डिडक्शन तब मिलेगा जब हम एडिशनल ₹50,000 एनपीएस में कंट्रीब्यूट करेंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एडिशनल कंट्रीब्यूशन अमाउंट नहीं है, ये है एडिशनल डिडक्शन जो कि सिर्फ एनपीएस सब्सक्राइबर इसका फायदा ले सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, आपका एनपीएस टियर 1 अकाउंट में जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसी अमाउंट से ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हमारा एनपीएस ओन शेयर अमाउंट को तो हम ATC CT 1 में डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो हम ATC CT 1B का फायदा कैसे ले। दोस्तों एक एनपीएस सब्सक्राइबर ATC और ATC CT 1 मिला के 1,50,000 तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है। मान लीजिए किसी का ये दोनों अमाउंट मिला के 1,50,000 से ज्यादा हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक एनपीएस सब्सक्राइबर का ATC में इन्वेस्टमेंट है 1,20,000, उसका एनपीएस ओन शेयर है जो कि ATC CT 1 में क्लेम होगा वो है 70,000। अब दोनों मिला के बन गया 1,90,000। आउट ऑफ 1,90,000 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा ATC प्लस ATC CT 1 के आधार पर। अब रेस्ट अमाउंट ₹40,000 का डिडक्शन होगा ATC CT 1B के आधार पर। यहाँ पर सब्सक्राइबर ने एनपीएस ओन शेयर अमाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जो है 30,000 प्लस 40,000। क्योंकि उसके पास ATC का 1,20,000 ऑलरेडी है, उसको एनपीएस का 30,000 चाहिए ATC CT 1 में ताकि ये दोनों मिलाकर हो जाए 1,50,000। अभी एनपीएस का रेस्ट अमाउंट ₹40,000 बन गया एडिशनल डिडक्शन अंडर ATC CT 1B। यहाँ अगर सब्सक्राइबर ने ATC अमाउंट 10,000 बढ़ा लेता है तो ATC CT 1B में पूरा 50,000 क्लेम कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि ATC CT 1B में जो भी एडिशनल अमाउंट जा रहा है वो एनपीएस ओन कंट्रीब्यूशन का पार्ट होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप ATC CT 1B को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ लाइक करके शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू हैप्पी मोमेंट्स।